देखिए एक बात समझिए, जो गड़बड़ करेगा वो बचने वाला है, भले ही देर हो लेकिन सजा तो हो ही ना जाएगी। तो वो क्या कहते नहीं कहते इस पे ज्यादा ध्यान देने आज आप तो एक ही उन्हीं की बात। इतना बड़ा दिन है, बिहार का बजट है, उस पर नहीं पूछ के आपने बजट जो है बिहार सरकार खास तौर पे बिना केंद्र सरकार के सहयोग से अपने बलबूते काम कर रही है, और काम करने के बावजूद अपने बलबूते आप समझे कि तीसरे स्थान पर है, यानी दूसरा और तीसरे का जो फासला है वो 0.2 का ही है मात्र, यानी 0.2 का ही अंतर है। तो हम कहना चाहते हैं जहाँ बिहार की जीडीपी इतनी अच्छी है, जहाँ हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं हर एक क्षेत्र को देखते हुए, उसी हिसाब से बजट में सभी लोगों का जो है ख्याल जो है रखने का काम किया गया, और हमको लगता है कि जिस हिसाब से क्राइम में ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग अपना ही रिपोर्ट नहीं पढ़ते, बिना पढ़े लिखे पढ़ लिख करके भले ही पढ़े लिखे हों लेकिन जब सदन आते हैं तो थोड़ी सी भी नज़र इनको डेटा फिगर इन सब चीज़ों पे नहीं रहती। NCERB भी खुद कहता है कि भाई बिहार जो है क्राइम रेट में 25वें नंबर पे पूरे देश में। तो सोचिए जहाँ हमारी देश की हमारे प्रदेश की आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ के हमारा जो स्थान है क्राइम को लेते हुए वो 22 से 25वें पे चला गया, यानी इस दिशा में भी हम लोगों ने बेहतर काम किया है। तो ये भाजपा के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हम तो एक ही सवाल पूछे थे ना, और जिस सवाल मेडिकल कॉलेज का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसको तो देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रिक्त पदों को भरने का फैसला हम ही लोग के आने के बाद ना हुआ भाई, हम लोग आए, हम लोग काम कर रहे उस दिशा में, और जो प्रक्रिया उसको हम लोगों ने शुरू कर दिया, और फ्यूचर में भी जहाँ कुछ बनना है उसके लिए भी हम लोग जो है पहले से पद का सृजन कर रहे हैं। हम तो यही सवाल पूछे ना कि भाई ये चालू तब हुआ तो उस समय ख्याल न रखना चाहिए था उस समय के स्वास्थ्य मंत्री को, जो आज जो वाकई जो बता रहे हैं तो आप ही की गलती को ना हम सुधार रहे हैं। इस तरह का काम बजट में है, बजट में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली से ही पैसा आ रहा इसलिए चल रहा है। कौन सा दिल्ली का पैसा कहाँ आता है? कहाँ आप पहले जो रेशियो होता था 90-10 का होता था, इनके आने के बाद जो है 50-50 हो गया, घटा लिया गया और बोझ डाल दिया गया, और हम लोगों को कई बार ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ता, ज़मीन इतना महंगा है तो एक्चुअल में 50-50 नहीं रह जाता, कई में 60-40 हो जाता है, यानी 60 जो है राज्य का हो जाता है शेयर। ये उनके स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अपना जो स्कीम जो राज्य सरकार चलाती है तो पूर्णतः अपना चलाती है, और विशेष पैकेज के बारे में अगर मांगी गया तो विशेष क्या दिया उन्होंने, और जो भी इसमें से केंद्र अंश जो आपको मिलता भी है तो आप तो GST ले लिया, आप तो वसूल लेते हो राज्य से, तो आप वो आपका पैसा तो है नहीं, वो तो वन नेशन सबका है, सब लोगों ने सब राज्यों ने दिया है, उसी को आप लौटाते हो, तो इसमें अलग क्या है? अच्छा एक सवाल है सर, जांच होनी चाहिए क्या? जांच होनी चाहिए उनके बारे में क्या कार्यकाल के जो मंत्री हैं? अरे देखिए एक बात देखिए, अगर कोई ऐसी बात आएगी कुछ संज्ञान में आएगी तो क्यों नहीं होगी भाई, लेकिन हम लोग विंडिक्टिव लोग तो है नहीं कि जबरदस्ती का मुकदमा हम लोग बनाए, झूठा केस बनाए, जैसा यूपी में और देश भर में चल रहा है। क्या माहौल है देश का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर गलती करेगा तो जरूर जो है दिखवाएगा। और नेता प्रतिपक्ष या और जो लोग हैं उनके काम को हम लोग नहीं जानते हैं,
कि पहले कितना था अब कितना हो गया है। संबंध दिया गया कैसे देखते हैं, आपने रैली की, आपने चैलेंज किया और इसके बाद दो दिन बाद ही आप लोग को सीबीआई की तरफ से समन दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? ये लीगल मैटर है, ये एक प्रोसेस होता है कि जब चार्जशीट होता है तो कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेती है, तो नोटिस जारी किया जाता है, फिर आगे का प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली, भ्रम वाली स्थिति या कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे जो सेंसेशनलाइज करा के चलाएंगे अब क्या होगा, तो इसमें वो नहीं होना। केस में देखिए दम है ही नहीं, ये हम भी जान रहे हैं, ये जांच एजेंसियां भी जान रही हैं। अब कोर्ट को निर्णय करना है, इससे पूर्व में जितने निर्णय हुए हम लोगों पर भी तो कोई सबूत अबूत तो है नहीं, लेकिन एक है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से जो देश का माहौल है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, बोलना है। बताइए देश में कौन सा ऐसा राजनेता जिसके घर सबसे ज़्यादा छापे मारे और हर छापे में क्या मिला, बता दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।